वोट जो गया है वो गया है विकास के लिए, वो गया है दंगा मुक्त प्रदेश के लिए। अब चाचा जान को भी पता चल चुका है कि अगर भारत में रहना है तो वोट हो या सहयोग हो, वो सारा चीज हिंदू और हिंदूवादी को ही देना पड़ेगा, तभी जाकर भलाई होगी, तब जाकर भारत में रहने का एक मौका मिलेगा, सुरक्षित रहने का। और चाचा जान को अब देश हित में आतंकवादी मुक्त भारत चाहिए, मतलब इन्हें भी अब राम राज्य चाहिए। भले नीचे की लुल्ली कट चुकी है, उसके बाद भी इन्हें राम राज्य चाहिए। भले ही ऊपर की मूछें गायब है, फिर भी राम राज्य चाहिए। इन्हें कोई अफजल राज्य नहीं चाहिए, बाबर राज्य नहीं चाहिए, तुगलक औरंगजेब और खिलजी राज्य नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ राम राज्य चाहिए। सबसे पहले चाचा जान को सुन लीजिए और कितना अच्छा संदेश दे रहे हैं। और नमस्कार दोस्तों, मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और मेरा वोट जो गया है वो गया है विकास के लिए, वो गया है दंगा मुक्त प्रदेश के लिए, वो गया है गरीबों को मिलने वाले मकान के लिए, वो गया है गरीबों को फ्री राशन के लिए और सबसे मेन बात देश हित के लिए। तो मेरी आप सबसे अपील है कि आप अपना वोट डालें और वोट सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल को। जय हिंद, भारत माता की जय। और ये स्पष्ट कर चुके हैं चाचा जान, स्पष्ट कर चुके हैं कि आएगी बीजेपी और जीतेंगे अब योगी, समझ रहे हैं ना। चाचा जान ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार बनेगी वो बुलडोजर बाबा की सरकार बनेगी, और बुलडोजर बाबा को वोट कर दिया है इन्होंने कमल के फूल पर। बुलडोजर इन्होंने सोच लिया है कि माफियाओं के घर परिवार पे बुलडोजर चढ़ा ही देना है, एकदम मानना नहीं है। राम राज्य चाहिए चाचा जान को।